नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा सातवीं विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण बिंदु चट्टानों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में अध्ययन किया था और जाना था कि पृथ्वी की तीन परतें होती है। सबसे पहली परत जिसको भूपर्पट या क्रस्ट कहते हैं, दूसरी परत जिसको आवरण या मेंटल के नाम से जानते हैं, और तीसरी परत जिसको पृथ्वी का केंद्रीय भाग या क्रोर के नाम से जाना जाता है। आज हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करते समय पढ़ा था कि पृथ्वी की जो पहली परत है भूपर्पट्टी या क्रस्ट, इसका निर्माण है विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के होता है, और भूपर्पट्टी को बनाने में आठ तत्वों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। और पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी बनाने वाले जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको ही हम चट्टान के नाम से जानते हैं, अर्थात पृथ्वी की भूपर्पट्टी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिल करके बनती है। चट्टाने चीका मिट्टी जैसी मुलायम भी हो सकती है और ग्रेनाइट जैसी कठोर भी हो सकती है, अर्थात कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहेंगे, चट्टान कहते हैं। रंग है, रूप है आदि की दृष्टि से चट्टाने तीन प्रकार की होती है। पहली चट्टान है जिसको हम आग्नेय चट्टान या अंग्रेजी में इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरे प्रकार की चट्टान जिसको अवसादी चट्टान या सेंडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रकार की चट्टान है जिसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबको ध्यान है कि जब पृथ्वी की रचना हुई थी तो ये अंदर से बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, और पृथ्वी के ठंडे होने के फलस्वरूप पृथ्वी पर सबसे पहले जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हीं को ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि धरती पर बढ़ने वाली ये सबसे पहले चट्टाने थी। अब आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों को पढ़ते समय पढ़ा था कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो बहुत गर्म है, वहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और उस कारण से धरती के आंतरिक भाग से कभी कभी ज्वालामुखी फूटते हैं, और ज्वालामुखी से एक प्रकार का बहुत ही अत्यंत गर्म पदार्थ निकलता है जिसको हम लावा कहते हैं। और ये लावा क्या होता है, लावा वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा होता है, और ये लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी के बाहरी भाग पर आता है और बाहरी भाग पर आकर के ठंडा होकर के जम जाता है, और इस प्रकार से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम ब्रहिभेदी आग्नेयशिल कहते हैं। ब्रहि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बाहर, अर्थात ज्वालामुखी से फूटने वाला या निकलने वाला लाल द्रवित लावा या मैग्मा धरती के बाहरी भाग पर आता है और यहाँ ठंडा होकर के जम जाता है, और उसके फलस्वरूप जो चट्टाने बनती है वो होती है ब्रही भेदी आग्नेय चट्टाने, बेसाल्ट इस प्रकार की चट्टान का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिण का पठार है जो भारत का, वो बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है, और बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए
दक्षिण के पठार के आसपास के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग काला होता है, लोहे या आयरन के कारण ऐसा होता है, और काली मिट्टी फसल उत्पादन के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इसके बाद में ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कभी कभी किसी कारणवश धरती के बाहरी भाग तक नहीं आ पाता और धरती के आंतरिक भाग में ही जम जाता है, और ठंडा होकर के जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं उसको हम अंतर्भेदी अग्निशैल कहते हैं। और लावा के धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये बड़े दाना का रूप ले लेते हैं, ग्रेनाइट ऐसे ही चट्टान का उदाहरण है। हम घरों के अंदर मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्रों का उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट के ही बने हुए होते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से जाने तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो आग्नेय चट्टान है इसको अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इग्नियस रॉक कहते हैं, और ये इग्नियस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि या आग, अर्थात ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जो आग की तरह गर्म होता है उनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद में अब दूसरे स्थान पर है वो है अवसादी चट्टाने, अग्नि चट्टानों की विशेषता यहाँ लिखी हुई है, मैंने इनको पहले आपको बता रखा है, इसको आप पढ़ लें। और अवसादी चट्टानों को पढ़ने से पहले अग्नि चट्टानों के नाम को याद रखने का ट्रिक्स जान लेते हैं। बेबी गैस ग्रीन पेड़ा, बे यानी बेसाल्ट पत्थर, बी यानी बिटुमिनस कोयला, गे यानी ग्रेबो और ग्रेनाइट, से यानी साइनाइट, ग्रीन यानी ग्रेनाइट, पे यानी पेगमाटाइट, डा यानी डायोराइट। एक अन्य ट्रिक्स ग्रे बेबी साइना पेड़ा, ग्रे यानी ग्रेनाइट और ग्रेबो, बे यानी बेसाल्ट पत्थर, बी यानी बिटुमिनस कोयला, साइना यानी साइनाइट, पे यानी पेगमाटाइट, डा यानी डायोराइट। इस प्रकार से इन चट्टानों के नाम को स्मरण रखने का एक छोटा सा ट्रिक्स है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अवसादी चट्टाने, इनका निर्माण है आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होने या उसमें कुछ परिवर्तन होने के कारण होता है। चट्टाने लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये सब हवा, पानी तथा सागरी तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं या इकट्ठे कर दिए जाते हैं, और दाब या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से जब ये अवसाद एक स्थान पर जम जाते हैं तो उनके फलस्वरूप जो चट्टानों का जिन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उसी को हम अवसादी चट्टाने कहते हैं। इन चट्टानों को हम द्वितीयक चट्टाने भी कहते हैं, क्योंकि अग्नेय चट्टानों के बाद में धरती पर जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ वो अवसादी चट्टाने थी। और इनको तलछटी चट्टाने भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमी की कुछ मात्रा होती है। अब इन चट्टानों के नाम को याद रखने का ट्रिक्स है, बा ने चुन लिया नमक सेल खरी, बा यानी बलुआ पत्थर, चू यानी चूना पत्थर, लिया लिग्नाइट कोयला, नमक ये नमक की चट्टान, और सेल खरी ये भी एक प्रकार की चट्टान है। इस प्रकार से ये अवसादी चट्टान है, इनकी कुछ विशेषताएं यहाँ दी हुई है। ये चट्टानें परतदार होती है, अर्थात इसमें परतें होती है। इन चट्टानों में जीव जंतु एवं वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो जीव विकास के विभिन्न प्रमाण के कुछ साक्ष्यों का अध्ययन करोगे तो उसमें जीवाश्मीय प्रमाण भी अति महत्वपूर्ण है। अपने बाड़मेर जैसलमेर की सड़क पर एक गांव है आकल, वहां पर भी एक जीवाश्म पार्क बना हुआ है जिसको वुड नेशनल फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। और खनिज तेल है वो भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और भारत के दक्षिण में दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है। और भारत का प्रसिद्ध लाल किला है जिसका चित्र यहाँ आगे दे रखा है, ये भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। दूसरा ताजमहल जो सफेद संगमरमर से निर्मित है
ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। इस प्रकार से अवसादी चट्टानों के बाद में तीसरी प्रकार की चट्टाने हैं, वो है कायांत्रित चट्टाने। अवसादी और आग्नेय चट्टानों में टूट फूट के फलस्वरूप इन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांत्रित शैलों में या चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इनको रूपांतरित चट्टाने भी कहते हैं। काया संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर रचना। तो उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों की रचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, वो ताप के कारण हो सकता है, दाब के कारण हो सकता है, किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, तो उसके फलस्वरूप जो चट्टाने बनती है उसको हम कायांत्रित चट्टानों के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी है वो धीरे धीरे स्लेट में बदल जाती है, और चूना पत्थर है वो धीरे धीरे संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है या उसमें बदल जाता है। अब कायांत्रित या रूपांतरित चट्टानों के नाम को याद रखने का ट्रिक्स, निशा एक शिप ग्रे संगमरमर लाई, नी ए नीस, साइन स्लेट, साइन साइनाइट नीस, ए एन एंथ्रेसाइट कोयला, का एन क्वार्टजाइट, सी एन सिस्ट या साफिंड सिस्ट, फाई एन फाइलाइट, ग्रे एन ग्रेफाइट और संगमरमर एन संगमरमर पत्थर। इस प्रकार से चट्टानों के प्रमुख तीन भागों के बारे में हमने छोटी सी जानकारी प्राप्त की। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और ये चित्र है वो चट्टान चक्र से संबंधित है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ज्वालामुखी फूटते हैं तो ज्वालामुखी से एक लाल द्रवित मेघमा निकलता है, वो ठंडा होता है तो उसे आग्नेय चट्टाने बन जाती है। आग्नेय चट्टानों में अपरदन या निक्षेपण होता है या रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण अवसादी चट्टाने बनती है, और अवसादी चट्टाने हैं वो उच्च ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है, और रूपांतरित चट्टाने धरती के आंतरिक भाग में धीरे धीरे इकट्ठी होती है तो हजारों वर्षों के बाद में वो उच्च ताप और दाब के कारण पिघल जाती है और मैग्मा के रूप में पुनः धरती पर आती है और उनके फलस्वरूप आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से चट्टान चक्र या जिसको शैल चक्र के नाम से जानते हैं वो इस धरती पर चलता रहता है। इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पाठ से संबंधित जो प्रश्न यहाँ दे रखा है इसका आप खुद अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ कुछ परिभाषिक शब्द लिखे हुए, इग्नियस है, इग्नियस के बाद में सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है और जीवाश्म है, इनका अध्ययन करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। गृह कार्य के रूप में यहाँ दो प्रसिद्ध इमारतों के नाम दिए हुए हैं, पहली है लाल किला जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है और दूसरा ताजमहल है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो आप भारत की प्रसिद्ध इमारतों के नाम और वो किन चट्टानों से निर्मित है उनके बारे में अपने साथियों से और अन्य साधनों से जानने का प्रयास करेंगे, और ऐसी 10 इमारतों के नाम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और बताएंगे कि वो किन किन प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।